Good morning, grade 9. How are you, class? Okay, class, today we are conducting our second unit session and in which we are going to learn De Morgan's Law. Girls ka ye topic reh gaya tha, theek hai, isliye hum isko aaj cover karenge. To De Morgan's Law, ye aap image dekh sakte hain, let U be the universal set and A be any subset of U, then number one, under bracket, A union B complement equals to A complement intersection B complement. ठीक है गर्ल्स, मैंने आपको सिंबल्स वगैरह सिंबल्स सब हमने डिस्कस किए थे कि यूनियन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट के सिंबल्स क्या होते हैं, और इस प्रीवियस क्लास में मैंने इसको एलिबरेट भी किया था कि किस लिए हम ये यूनियन को हम किस तरह यूज़ करते हैं, यूनियन का क्या मेथड है, इंटरसेक्शन का मेथड क्या है, एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है. ठीक है, तो आज हम अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको ए अंडर ब्रैकेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए. इट मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वही आपके राइट हैंड साइड पर भी आना चाहिए. ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहती है. सो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव नंबर वन. ठीक है, ये आपको सेट दिया हुआ है, लेट यू ये आपके एलिमेंट्स है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, एंड ये बी सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6. ये देखें, पार्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड. हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिखा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप आप याद रखिएगा कि अगर आपको वॉट एवर जो भी गिविन हो, आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. ठीक है, उसके बाद इस कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे. अभी इस कॉम्प्लीमेंट को आप नहीं छेड़ेंगे, अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अंडर ब्रैकेट आपको क्या गिविन है, ए यूनियन बी. इट मीन्स आपके पास जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स आपने यहाँ लिखे. हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 3, 5, 7 हमने यहाँ लिख दिया. फिर यूनियन की साइन लगा दी. ठीक है, फिर बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 3, 4, 5, 6. ठीक है, इसके बाद हमारा ए यूनियन बी फाइनली क्या एलिमेंट्स आएंगे. यूनियन का मतलब, यूनियन मीन्स टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. ठीक है, टू सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करना, ठीक है, ऑर्डर फॉर्म में लिखना, उसको कहते हैं यूनियन. यूनियन हम इस तरह निकालते हैं, देखें हमने अरेंज करके लिख दिया 1, 3, 3, जो रिपीटिंग होंगे एलिमेंट्स उसको वंस टाइम लिखेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी निकला. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने अंडर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ए यूनियन बी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे कि ये कह रहा है इसको हम किस तरह ओपन करते हैं. देखें, इट इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस ए यूनियन बी. इसको आप किस तरह रीड करोगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं और इस तरह हम इसको ओपन करते हैं. ठीक है, किस तरह ओपन करते हैं हम सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस. ठीक है, ये आपने कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, इसकी जगह आ गया यू माइनस, आगे नेक्स्ट आपका जो भी है ए यूनियन बी. ठीक है, तो अब इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो भी हमें अंडर ब्रैकेट गिविन होता है सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट को, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है यू माइनस, यानी यूनिवर्सल माइनस. ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट हमें हमारे पास ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने एलिमेंट्स यहाँ यूनिवर्सल सेट के लिख दिए. देन माइनस साइन प्लेस की, देन ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये रहा, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, अब फाइनली हमने इसको सॉल्व कर लिया. फाइनली हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा फाइनली
क्योंकि हमें u माइनस करना है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो a यूनियन b, जो भी फाइनली आपने एलिमेंट्स निकाले थे यूनियन b के वो हमने माइनस कर दिए। अब यूनिवर्सल के जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिर्फ टू है, ठीक है। ऐसे ही है, 1, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ माइनस कर दें, 1, 2, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास सिर्फ क्या लेफ्ट बचा, क्या बचा, टू। तो इट मीन्स कि हमारे पास टू आंसर है, ठीक है। इट मीन्स अंडर ब्रैकेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू टू। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है इसका आंसर, टू, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट गिवेन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नोट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को, अब इसको आप जरा गौर से देखें। आप इसके सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लेंगे फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे फिर इन दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे, इट मीन U माइनस A, यूनिवर्सल माइनस A। मैंने क्या बताया आपको कि अभी ऊपर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस, ठीक है। तो हम इसको जब हम ओपन करते हैं तो U माइनस A हो जाता है, ठीक है। U माइनस A इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स प्लेस किए, देन माइनस साइन, देन A सेट के एलिमेंट्स प्लेस किए, 1, 3, 5, 7 ये हमें गिविन है यहाँ A एलिमेंट्स के एलिमेंट, ठीक है, ए सेट के एलिमेंट्स। यू माइनस ए का क्या मतलब है, यू माइनस ए मीन्स के ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दें ए यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल में क्या लेफ्ट बचा, क्या कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, सिर्फ टू एंड फोर, ठीक है, रिमेनिंग टू एंड फोर हैं सिर्फ। तो हमने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 4। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना, ठीक है। सो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेम वही है, यू माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको फर्दर इसको एलिबोरेट कर देती हूँ टू मेक यू इजी, ठीक है। माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, यू माइनस बी, हमने यहाँ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स प्लेस किए, देन माइनस साइन, देन बी के एलिमेंट्स प्लेस किए जो हमें गिविन है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से रह जाएंगे, 1, 2 एंड 7, क्योंकि 3, 4, 5, 6 तो हमने माइनस कर दिए, कट कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो 1, 2, 7 रिमेनिंग। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इन दोनों के आंसर्स को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये ए कॉम्प्लीमेंट था हमारा 2, 4, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, फिर इंटरसेक्शन की साइन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो हमने फाइंड आउट किए थे 1, 2, 7 ये हमने प्लेस कर दिए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है गर्ल्स, ठीक है, स्पेशली क्योंकि गर्ल्स का ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। इंटरसेक्शन मीन्स होता है टू एलिमेंट्स, टू सेट्स, आपको ए और बी जो सेट दिया हुआ है टू सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो आपका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, टू, देखें ए के अंदर भी टू है और इस वाले के सेट के अंदर भी टू है, तो ये कॉमन एलिमेंट हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। तो फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास टू आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड, ठीक है। ओके क्लास, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आपको कोई डिफिकल्टी हो, आप मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट टू सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट टू है, अंडर ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखें यहाँ ये पार्ट बी है, पार्ट टू है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले एनालाइज करें जो हमने अभी प्रीवियस सॉल्व किया, हम इसके अंदर सबसे पहले कौन क्या स्टेप फॉलो करेंगे,
सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था क्लास कि हम सबसे पहले अंडर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अंडर ब्रैकेट, ठीक है। अंडर ब्रैकेट आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किए जाते हैं। ब्रैकेट किस तरह हटते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, जब आप अंदर अंदर जो अभी अंडर ब्रैकेट आपको गिवन है आप उसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए के आपके पास एलिमेंट्स गिवन है, इंटरसेक्शन के साइन, देन बी के एलिमेंट्स प्लेस किए, इंटरसेक्ट कर दो इनको, इनके इन दोनों सेट के कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3 और 5, यहाँ भी 3 5 है, यहाँ भी 3 5 है, कॉमन हमने यहाँ प्लेस कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया इंटरसेक्शन बी का। देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट कर दिया, यू यू के हमने एलिमेंट्स प्लेस किए माइनस की साइन, देन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 5 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। देन 3 5 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो यूनिवर्सल के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे, 1 2 4 6 7, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड में हमें क्या गिविन है, राइट हैंड साइड में हमें गिविन है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी सेम आंसर आना चाहिए, ये आंसर। सो सबसे पहले अब इसमें हम सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करते हैं, हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को यूनियन कर देंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस होता है ना, उसके बाद यू के एलिमेंट्स प्लेस किए माइनस की साइन एज इट इज ए, उसके बाद ये ए है तो ए के एलिमेंट्स प्लेस कर दिए, ए के एलिमेंट्स को कैंसिल किया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या रह जाएंगे, यू के 2 4 6, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। सेम बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह हम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करेंगे, यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी के एलिमेंट्स कैंसिल कर देंगे, तो यू में यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1 2 7, 3 4 5 6 माइनस कर दो, कैंसिल कर दो 3 4 5 6, तो हमारे पास 1 2 7 रिमेनिंग रह गए, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सेकंड स्टेप हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों के आंसर्स को क्या कर देंगे, हम यूनियन कर देंगे। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया था, ये एलिमेंट प्लेस कर दिया, देन यूनियन की साइन प्लेस की, देन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हमने ये एलिमेंट्स प्लेस कर दिए, उसके बाद हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन कर दिया, इट मीन्स अरेंजिंग फॉर्म में लिख दिया। अरेंजिंग फॉर्म क्या होगी, 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी 1 2 4 6 7 आंसर आ गया, सेम एज लेफ्ट हैंड साइड 1 2 4 6 7। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हैज प्रूव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लास हम आ जाते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर आपके डी मॉर्गन्स लॉ को ही डिस्कस करते हैं हम। ये डी मॉर्गन्स लॉ दी हुई है आपको, इफ यू यू के एलिमेंट्स की मैंने 20 तक 1 to 20, ए के एलिमेंट्स है 1 to 20, एंड बी के एलिमेंट्स है 2 6 8 2 6 8 10 14, एंड वेरीफाई करनी है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, मैं ये आपको क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है क्लास सबको, ये क्वेश्चन मैं आपको फीडबैक सेशन के अंदर दूंगी और आप मुझे सॉल्व करके देंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है मैं पूरा लिखकर फीडबैक सेशन में आपको सेंड करूंगी, शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप पे, ठीक है, जब हमारा फीडबैक सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके कल। और आप ये मुझे सॉल्व करके इसको आप सब स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे इसको और रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है क्लास। यहाँ ये क्लियर नहीं है पिक्चर, तो ये मैं आपसे फीडबैक सेशन के अंदर शेयर करूंगी क्वेश्चन और आप उसी वक्त सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास।